हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको नवी डबल एस रिलेटेड महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटो को ना देखा हो तो इसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जो आपका जो कण का जो त्वरण होता है, एसेलेरेशन पूछा गया है, जो ए होता है त्वरण को एस रिलेट करते हैं, वो आपका पूछा गया है प्रतीत होता है जब, कब प्रतीत होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऐसा होता है जब वेग होता है, वेलोसिटी जब वेग होता है, जब वेग की दिशा और जब परिणाम दिशा और परिणाम जब प्रतीत होता है तो जो आपका ए होता है त्वरण वो आपका बदल जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वेग की दिशा प्रतीत होती है और वेग का परिणाम जब प्रतीत होता है तो जो कण का जो त्वरण होता है वो आपका प्रतीत हो जाता है। यहाँ पर जो सी पार्ट है प्रयुक्त दोनों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी पार्ट यहाँ पर राइट है, अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसी कण के लिए स्थिति, चलिए एक्स समानुपाती टू स्क्वायर के दिया है, इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है हो तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, जो उन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा हो तो बताइए ज़रा, चलिए सोचिए ज़रा। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऐसा होता है जब त्वरण जब नियत होता है तब आपका ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, त्वरण नियत होता है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया है। चलिए जब कोई कण है, जैसे दिया गया है एक समान, देखिए जब कोई कण है एक समान, देखिए वेग से चल रहा है, वेलोसिटी चल रहा है, तब निम्न में से क्या प्रतीत होगा, मतलब कि क्या प्रतीत होगा, क्या बदलेगा, ये पूछा गया है तो आप कुछ बताना है। चलिए चारों ऑप्शन को देख लीजिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्थिति सदिश होगा वो आपका बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पूछा गया कितना होता है, मतलब कि, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरह। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे जो डी पार्ट है इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान से रखिएगा। आप इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे वो आपका गलत होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ए बी सी कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, और कितना होता मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नहीं तो मैं आपको काउंट बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, आप बता दीजिएगा, नहीं तो 57 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है। संतुलित अवस्था में एक भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे एक नलिका द्वारा वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसका पलड़ा कैसा होगा, मतलब बताना है तो आपको। सबसे पहली बात तो संतुलन अवस्था है, ध्यान से पढ़िएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, चलिए तो फिर यहाँ पर ए पार्ट राइट हो जाएगा, इसका जो पलड़ा होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आने लगेगा, चलिए आ गया वो कंडीशन। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार, ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये लिफ्ट बनी है, लिफ्ट में मनुष्य का जो आभासी भार है जो, ठीक है, आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम है। चलिए आभासी भार है जो, वर्चुअल है जो, वर्चुअल इमेज जानते होंगे आभासी, ये जो, चलिए आभासी भार है जो वो आपका वास्तविक भार से कम है। ठीक है, तो वास्तविक भार आपका ज़्यादा है। ठीक है, वास्तविक भार आपका ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ठीक है, वास्तविक ज़्यादा है, आभासी कम है। जब लिफ्ट जाती है किस तरफ जाती है, देखिए, चलिए तो बताइए ज़रा एक बार, अपने मन से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, 58 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए जब, मतलब कैसा होता है जब नीचे की ओर ए त्वरण ए से जा रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट मतलब नीचे की ओर जब जाती है तो मनुष्य का जो आभासी भार होता है उसके वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे वैसे बी पार्ट आपका राइट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दिया गया है, 59 नंबर क्वेश्चन है, समान त्रिज्या की, देखिए समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद है, ठीक है, तथा लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, चलिए बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन, चार ऑप्शन को यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, चलिए असमान जाएंगी या समान जाएंगी या लगभग समान होंगी या फिर शून्य होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समान ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया होगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए जरा एक बार, और देखिए यहाँ दिया समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है,
देखिए लोहे की लकड़ी गेंद उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक समान मतलब त्रिज्या की थी तो नीचे फेंकी गई तो आपका एक ही समय में गिरेंगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कम ज़्यादा समय नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, देखिए एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु है जैसे कि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। यदि वायु प्रतिरोध की गणना कीजिए जिस समय यह वस्तु ऊपर की ओर जाती है, तो चलिए देखिए क्या होगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए नीचे आने में लगे समय से कम होगा, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जैसे कि नीचे आने में जितना समय लगेगा वो ऊपर से कम लगेगा, मतलब कि नीचे आने में लगे समय से कम होगा, ठीक है, ऊपर जाने में कम समय लगेगा, वैसे नीचे ज़्यादा लगता है, ठीक है भाई, यही कारण है इसका, कुछ नहीं था। वैसे इसका राइट ऑप्शन आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपके नेवी डबल में आते हैं, ठीक है, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और ये मैं क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ वो आपके पेपर के सेट से करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपके नेवी डबल ए के पेपर के सेट से करा रहा हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, देखिए क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक वायु अवरद दिया है, एयर टाइट दिया है, पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तोता यदि उड़ जाता है, तोता उड़ना प्रारंभ करता है, स्प्रिंग तुला के पार्ट में क्या होगा, जैसे कि चलिए बताइए तो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए एक बार अच्छी तरह। चलिए देख लिया होगा, 61 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई अनचेंज रहता है, नहीं बदलता, कोई उससे मतलब नहीं रहता कि तोता बैठा तो उड़ गया, उससे कोई भार कम हो गया, वृद्धि कुछ नहीं होगा, तुला के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वही रहता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट है, 62 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऐसा होता है ऊपर की ओर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर प्रक्षेपित कोण का वेग समय ग्राफ है, ऊपर की ओर प्रक्षेपित जो कोण है, जो वेग समान पूछा गया है, तो कैसा बनता है, तो वो आपको बताना है, देख लीजिए। चलिए देखा होगा, देख लीजिए, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरल रेखा, ठीक है, ये सब कंडीशन देखिए, आप इसको याद नहीं करेंगे तो पेपर में आपको दिक्कत हो जाएगी, पेपर में आपकी टाइम की कमी होती है, जितनी जल्दी जल्दी आप कर लें उतना ही सही रहता है, ठीक है। चलिए दिया गया नेक्स्ट है, 63 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। चलिए देखिए एक गेंद, जैसे कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया है, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, मतलब कि ना के बराबर है, शून्य भी मान सकते हैं, नगण है, नगण क्या लिखा है, वायु प्रतिरोध नगण ना हो, सॉरी दोस्तों, नगण ना हो दिया गया, ठीक है। चलिए तो अधिकतम नगण ना हो तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, चलिए तो क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पे, चलिए देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, तो यहाँ पे नीचे गिरने के समय के बराबर होगा, जैसे कि नीचे गिरेगा जितना समय नीचे लगेगा उतना समय ऊपर लगेगा, ठीक है, तो यहाँ समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वायु प्रतिरोध है वो नगण ना हो दिया गया, अगर नगण दिया होता तो आपका नीचे गिरने के समय से कम होता, बस इतना था, पर ये राइट ऑप्शन है, नीचे के गिरने के समय के बराबर होता है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, क्या दिया देखिए जरा क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज़ की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि चलिए देखिए चारों ऑप्शन को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होगा, चलिए सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है इसके इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ऐसा है कि गतिमान रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर, देखिए जैसे कि आप जैसे जानते होंगे रेलगाड़ी चलती है, उसमें ट्रेन में वो ऐसे वो खिड़की लगी होती है, उससे बाहर इसे एक पत्थर गिराया जाता है, तो पत्थर पृथ्वी पर टकराता धरती पे, तो उसका पूर्व इसका मार्ग कैसा बताया गया, देखिए कैसे होगा, ऐसे ऐसे देखिए, तो चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, 25 में 20 नंबर क्वेश्चन के आपके लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा आते हैं, और यही क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं पेपर में, ठीक है। तो आज अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होती है, लेकिन मेथड थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरह, मैंने टॉपिक वाइज आपको कराए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, नेवी के भी कराए हैं न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखिए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, 65 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे परवलयाकार होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, परवलयाकार होता है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। धन्यवाद।